क्या हुआ? अभी तो हमारी छुट्टियाँ शुरू भी नहीं हुई है और तुम तो चिल्लाने लगी। मुझे मेरी चीजें नहीं मिल रही है, सब फैला पड़ा है। नौकर कहाँ है, बटलर कहाँ है, सब कहाँ मर गए। सच बताऊँ, मेरा तो मन ही नहीं है घूमने जाने का। मैं अभी बिजनेस ट्रिप से लौट आऊँ। ओह हाँ, वैसे तो पूरी दुनिया घूमते रहो और अपनी फैमिली के साथ छुट्टियाँ बिताने नहीं जाओगे, है ना? ठीक है, मैं चुप हो जाता हूँ। मम्मी क्या हुआ? सच बताओ, तुमने मेरे $50,000 के जूते लिए? बताओ, सच बताओ। नहीं मम्मी, छोड़ो भी, मैं उसे कैसे ले सकती हूँ? सब के सब मुझे पागल कर रहे हैं। मेरी दवाई कहाँ है? डार्लिंग, ये लो। शुक्रिया, अब सही है। मम्मी पापा, हम तैयार हैं, अब वेकेशन पर जाने का टाइम हो गया, चलो। क्या ये भी साथ में चलेंगे? हाँ। अरे नहीं, मुझे लगा था इन्हें घर पर ही छोड़ेंगे। अरे मम्मी, ये सही नहीं है, हमें भी छुट्टी चाहिए। किसे छुट्टी चाहिए? तुम्हें? छुट्टी उनके लिए होती है जो काम करते हैं, समझी? तो तुम तो कोई काम करती नहीं, मैंने सही कहा ना? काम तो आप भी नहीं करती। प्लीज बहस मत करो। तुम बिल्कुल चुप रहो और जाकर मेरी चीजें लाओ। मुझे लगता है ये सूटकेस छोटा है। मुझे लगता है तुम्हारा दिमाग छोटा है। चीजें अच्छे से दबाओ और थोड़ा और तेज। तुम खेल रहे हो क्या? अरे लगता है हम जल्द ही होटल रूम में होंगे। क्या प्राइवेट जेट तैयार है? बात ये है, बिल्कुल भी जगह नहीं है। तुम्हारी माँ के सामान ने पूरी जगह घेर ली है। तुम ट्रेन से आ जाओ ना। क्या ट्रेन? आप चाहते हैं कि हम गरीबी में दम तोड़ दें? आपको हमारी जरा भी परवाह नहीं है, बच्चों से ज्यादा चीजों की पड़ी है। बहुत हुआ, गुड बाय, हम जा रहे हैं। नहीं, अब हम क्या करेंगे? अरे भाई, मम्मी पापा हमें छोड़ के चले गए। क्या वो सच में हमें छोड़ गए? नहीं, मतलब हम घूमने नहीं जा रहे। टेंशन नहीं, आओ नहीं बहन, कल मेरा पता क्या किया, पापा की कार की चाबियां निकाल लेती है। अच्छा किया तेरा। क्या सच में? अरे बिल्कुल, पापा की कार अब हमारी कार है, चले। हाँ हाँ। क्रिस तुम शानदार हो, वो इतनी आसानी से हमसे पीछा नहीं छुड़ा सकते। मैं लिपस्टिक लगा लेती हूँ, मुझे सबसे ज्यादा सुंदर दिखना है। मेरी लिपस्टिक सबसे ज्यादा अच्छी है। सही कह रही हो। ये ब्रेक कहाँ है और गैस कहाँ पे? क्रिस, क्या तुम्हें ड्राइविंग आती है? बिल्कुल, मैं बढ़िया ड्राइवर हूँ। स्टीयरिंग कहाँ है? क्रिस, मजाक कर रहा था। ये स्टीयरिंग, और अब कार को बस स्टार्ट करना है। अरे नहीं नहीं नहीं। क्रिस, क्या हो रहा है? मुझे नहीं पता क्या हो रहा है। वो ये क्या है? मुझे नहीं पता, कुछ गीली स्टिक्स लगती है। क्रिस तुम बहुत अजीब हो, अगर मुझे पता होता कि तुम ऐसे ड्राइवर हो, मैं कार में कभी नहीं बैठती। अरे शांत हो जाओ बहन, सब ठीक हो जाएगा यार। मैंने तुम पर गलत भरोसा किया, तुम्हें जो करना है करो, इससे अच्छा मैं ट्रेन से चली जाती। लगता है हम गए काम से। ब्रेक कहाँ है? ऊप्स। ये कितना फनी टिकटॉक है। वाओ। वाओ, कितनी सुंदर लड़की है ये। ये तो अमीर है, मेरे जैसी नहीं है। शर्त लगा सकता हूँ उसके पास मेरे लिए टाइम ही नहीं होगा, मैं बहुत ही गरीब हूँ। मेरा टोस्ट किसने लिया? मुझे भूख लगी है और पूरे दिन से वो मुझे कहीं नहीं मिला। मॉम, आप इतनी जल्दी कैसे आ गईं? कचरे में मुझे कुछ नहीं मिला, शायद हम कुछ पका सकते हैं। लेकिन पकाओगी क्या?
Hey, मॉम, आप मेरी टी शर्ट गंदी कर रही हैं। मैं बर्तन साफ कर रही हूँ। हे भगवान, हमारे पास पानी के लिए भी पैसे नहीं है। बिल्कुल नहीं। कितना शर्मनाक है, मैं गरीब होकर तंग आ चुका हूँ। प्यारी फैमिली, देखो मुझे क्या मिला। टॉयलेट पेपर? बिल्कुल भी नहीं। ये हैं कूपन्स एक होटल के, तो हम लोग अब छुट्टियों पर जा रहे हैं। आपको ये मिले कहाँ पे? मुझे ये काम पर मिले, मैं कबाड़ बेच रहा था और एक क्लाइंट को मेरा काम बहुत ही पसंद आ गया, तो उसने मुझे खुश होकर ये दे दिए। ओह अच्छा, काम, क्लाइंट्स, हाँ? सच बताओ कहाँ से चुराई ये? इसने तो पकड़ लिया। नहीं नहीं, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? दरअसल यही तो मेरा काम है। मॉम, क्या फर्क पड़ता है उन्हें ये कहाँ से मिले? अच्छी चीज, हम छुट्टियों पे जा रहे हैं, हम छुट्टियों पे कभी नहीं गए। बात तो सही है। तो तुम दोनों सामान पैक कर लो। तैयारी हो गई। तुम लोगों के साथ जाने में बहुत शर्म आती है। हे दोस्तों, क्या तुम्हें अपने परिवार और दोस्तों के साथ छुट्टियों पे जाना पसंद है? ये कमेंट्स में बताइए। ओह, इतने कम लोग आए हैं, शायद कॉकरोचेस की वजह से। डेविड, ओह मेरे छिटकू, कैसा चल रहा है? कुछ खाने के लिए मिला? ओह, कोई आ रहा है। ये झोपड़ी क्या है? हमारे लग्जरी होटल में आपका स्वागत है। यहाँ की तो सड़कें भी घास फूस से भरी हुई हैं। वाहियात। ओह, लेकिन इसका तो फैशन है ना? आहा, ढूंढ लिया। क्या लगता था हम आपको ढूंढ नहीं पाएंगे? ट्रेन तो बहुत जल्दी आ गई। ट्रेन तो बेवकूफों के लिए होती है, हम तो यहाँ आपकी कार से आए। क्या? अब मैं तुम्हें पीटूंगी। क्या पहले मैं आपको आपके रूम्स दिखा दूँ? ठीक है, फिर हम इनसे निपटेंगे। कितनी बदबू आ रही है। अरे ये बदबू कैसी है? अरे वाह, क्या सुंदर जगह है। यहाँ पर तुम मकड़ी के जाले और कॉकरोचेस भी नहीं है। नहीं, यहाँ कॉकरोच है, चिंता मत करो। उप्स, गलती हो गई। ये जाहिल लोग कौन हैं? क्या ये कोई होटल नहीं बल्कि गंदी बस्ती है? वाहियात। मम्मी, जब तक आप पता लगा रहे हैं, मैं और क्रिस सोने जा रहे हैं। हाँ, फिर हम ये काम करेंगे, बढ़िया घूमने चलेंगे यार। हम घूमने जाएंगे। हमारी फैमिली यहाँ छुट्टी बिताने आई है, क्या हमें रुकने के लिए रूम मिलेगा? रूम का किराया $300 है। क्या? डेलन, तुम मुझे कहाँ ले आए? एक झोपड़े में? कितना कितना बोला? इतना तो पूरे साल में भी नहीं होता। पर रुको, मेरे पास कूपन्स हैं। तो ये लो। इससे तो सिर्फ 20% डिस्काउंट मिलेगा। कमीने, तुमने तो कहा था ये फ्री कूपन है। हाँ, अब मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगी। अब हम कहाँ जाएंगे? मैंने सोच लिया है, मैं सबको कमरे दूंगी, शांत हो जाओ। जल्दी करो। वाह, ये कितनी खूबसूरत है। क्या? क्या ये वही है? हेलो, तुम क्या देख रहे थे? क्या तुम ही वो मशहूर टिकटॉकर हो जिसके बारे में सब बात करते हैं? हाँ, मेरे कई सारे फॉलोवर्स हैं। क्या ये मजाक है? मुझे कभी नहीं लगा था कि मैं तुमसे मिल पाऊंगा। तुम्हारा नाम क्या है? मैं जैक हूँ। मैं इवा, मैं फैमिली के साथ घूमने आई हूँ, क्या तुम भी? नहीं, मैं नहीं। क्या वो रिसेप्शन पर वो अजीब लोग तुम्हारे मम्मी पापा नहीं थे? क्यों? सच कहूँ तो मेरे ही थे। वो बहुत फनी है सच में। मुझे अपने इंस्टाग्राम आईडी दो, मैं फॉलो करूँगी। तुम जैसी बड़ी स्टार मुझे फॉलो करना चाहती है? हाँ, क्या कोई प्रॉब्लम है? मेरे फॉलोअर्स तुम्हारे जैसे नहीं है, वो अमीर नहीं है। तो हम एक दूसरे को जानते हैं, हमें एक दूसरे को फॉलो करना चाहिए। बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैं तुम्हारी हर एक वीडियो को लाइक करता हूँ, हर एक फोटो को। जैक, हे मैन, उससे बात करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तो भूल ही गई थी, मुझे तुमसे परमिशन लेनी चाहिए थी। अरे देखो, वो तो पैसे ही बहुत गरीब है। बकवास, बता रहा हूँ, ऐसे लोगों से दूर ही रहना चाहिए। मैं वही करूँगी जो मुझे करना है, शुक्रिया।
अंदर आइए, ये आपका कमरा है। हद है, हमने $1,000 दिए हैं। जकूजी कहाँ है? सी व्यू कहाँ है? ओह, आई एम सॉरी, पर ये मालदीव्स नहीं है। लेकिन मुझे ये पसंद है। हमें जल्दी से कोई दूसरा रूम दो। ये हमारे होटल का सबसे शानदार रूम है। बस मेरी हो गई छुट्टियां बर्बाद। अगर आप चाहो तो हम आपको बेहतरीन मसाज दे सकते हैं और नाच गाने के साथ डिनर भी। मुझे परवाह नहीं है, मुझे ही इस सब का भुगतान करना पड़ेगा या ये पैसे देंगे। डार्लिंग, तुम बिना बात के परेशान हो रही हो। ये बहुत अच्छा होटल है। कम से कम यहाँ कीड़े मकोड़े नहीं हैं। ओह डेविड, वो क्या था? अरे कुछ नहीं कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। अरे चिंता मत करो मेरे छुटकू। तुम किससे बात कर रही हो? अरे मैं आपके लिए कॉफी लाती हूँ। ये काफी अजीब औरत है। डार्लिंग, किसी चीज पर ध्यान मत दो, हम यहाँ घूमने आए हैं। इसे कुछ लिखती हूँ, तुम मुझे काफी नहीं, ये नहीं, इससे अच्छा। क्या तुमने देखा कि मम्मी पापा का रूम कितना छोटा है? नहीं, मैं भी वहाँ नहीं गई। किससे बतिया रही थी? तुम्हें क्यों जानना है? मैंने तो मेरी पता होना चाहिए क्या गड़बड़ कर रही है। अच्छा क्रिस, तुम्हें कैसे कह सकते हो, तुम पागल हो क्या? मैं मम्मी पापा को बोलूंगी। कुछ तो गड़बड़ है, शायद वो उसी गरीब लड़के से बात कर रही है। लेकिन उस भिखारी के पास भैंस की टांग फोन कहाँ से आया? तो ये लो, ये रहा हमारा कमरा, कैसा लगा? हाँ, मैं यहाँ होटल में रुकने आई थी, किसी सड़े हुए टेंट में नहीं। अब जाने भी दो, कितना तो बढ़िया है ये। इतने बड़े बड़े तो यहाँ मच्छर है। तो आपको यहाँ पर कैसा लगा? तुम्हें ये टेंट कैसा लगा? आज इसी में हम सोने वाले हैं। हाँ? तंबू? यहाँ तो काफी जगह है, बस हमें गद्दों की जरूरत है। हाँ, तुम्हारी मॉम को भी अच्छा लगा। ओ, ये क्या है? तुम्हारे पास ऐसा फोन कैसे आया? ये फोन देखने से तो बहुत ही महंगा लग रहा है। सच बताओ, इतने पैसे कहाँ से आए? मैंने कमा कर खरीदा है। क्या? पहले चौकीदारी करी, फिर वेटर बना, और उसके बाद कारें साफ करी। मानना ही पड़ेगा, तो बिल्कुल अपने बाप पे गया इस मामले में। था क्यों नहीं, तुमने कभी एक फूटी कौड़ी नहीं कमाई। फोन मेरा है। हे, लाओ दो मुझे, दो मुझे, मैं इम्पोर्टेंट बात कर रहा था किसी से। किसके साथ? आपका इससे कुछ लेना देना नहीं है। ठीक है, अगर हमारा कोई मतलब नहीं तो ये फोन हम रख लेते हैं। तो चलो इस फोन को लेकर भंगार की दुकान पे जाते, वहाँ बहुत पैसे मिलेंगे। बढ़िया आइडिया। हे, ये फोन मेरा है, लाओ दो मुझे, दो मुझे। मैंने कहा चुप रहो। ओ जैक, मेरे साथ बैठो। पक्का है कि तुम्हें परेशानी नहीं है? जैक बैठो भी। इसके लिए शुक्रिया, मुझे खुशी है। तुम्हारे पास खाना कम है। मेरी चिंता मत करो, मैं उतना नहीं खाता। मेरा बर्गर ले लो, मैं वैसे भी नहीं खाने वाली। क्या मैं सच में? बिल्कुल। तुम बहुत फनी हो। मैंने कभी पहले बर्गर नहीं खाया। ये काफी अच्छा है। मुझे समझ में नहीं आ रहा, ठीक है चल ले। हम लंच कर रहे हैं। अब तेरे को एक भिखारी के साथ बैठने में शर्म नहीं आ रही बे? मुंह बंद करो। मुझे लगता है कि अब मुझे यहाँ से जाना चाहिए। नहीं। अबे यार निकल, तू मेरी बहन से बात नहीं करेगा, मैं धमकी दे रहा हूँ। क्रिस बहुत हुआ। अबे रुक, मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई है। हमारे बावर्ची ने खास आपके लिए बनाया है। शुक्रिया, ये तो किसी कबाड़ से लाया हुआ लगता है। तुम जा सकती हो। और जैसा वादा था, मेहमानों के लिए डांस, हमारे डांसर से मिलो। हेलो, आपको डांसर चाहिए थे ना? हम लोग तैयार हैं। ये क्या है? आपको डांसर चाहिए थे ना? और हमको बस पैसे चाहिए। तो वो पैसे आप हमें दे देना। वुहू! वुहू!
कितना अजीब है ये, कितना बदसूरत है वाहियात। नो या ये लगता है कुछ फंस गया। वाहियात लंच, सब बकवास, एकदम बकवास, ये तो होना ही था। रुक जाओ। अरे कहाँ जा रहे हो, दूसरा डांस भी है। अरे हमें कुछ तो पैसे दे जाओ। ओ, 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 इसमें बहुत मजा आ रहा है। वो, 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 जैक, मजा आ रहा है। तुमने कुछ गलत समझ लिया, यहाँ पर बस ऐसे ही मजा आ रहा था, यहाँ आसान था, मुझे लगा था ये खराब है। क्या तुम सच बोल रहे हो? आई एम सॉरी। मेरे पास बचपन में खिलौने नहीं थे तो मैंने सोचा कि थोड़ा चला के देखता हूँ, मुझे शर्म आ रही है। जैक क्यों, ये तो शानदार है। क्या तुम्हें ये पसंद आया? बिल्कुल। चलो मैं राइड देता हूँ ना। देखो तो एक भिखारी के साथ अपनी बहन को ऐसे नहीं देख सकता। कहाँ गया भाई? यही रुक। क्या हुआ? मुझे तेरे को समझाना है बड़ू। मैं सुन रहा हूँ। तो सुन, मैं तुझे युवर से दूर करने के लिए बोला था ना। वो तुम्हारी जायदाद नहीं है। अबे बहन है मेरी, मैं नहीं चाहता कि वो किसी भिखारी। तुम हर चीज को पैसे से तोलते हो और तुम्हारी किस्मत तो अच्छी है। औकात में नहीं, बता रहा हूँ। बेटा सब ठीक है? बिल्कुल भी नहीं। क्या तुम्हें उस अमीर लड़की से प्यार हो गया है? बहुत बढ़िया। मॉम बस कीजिए, तुम सब सही कर रहे हो, उनके पास पैसे हैं और हमें बहुत सारे पैसे चाहिए। मॉम पैसा ही सब कुछ नहीं होता। किसने बोला तुमसे? तुम पागल हो, उस लड़की को पटाओ और उनका पैसा हमें ला कर दो, बिल्कुल आसान है। आप सभी को तो बस पैसों की पड़ी है, प्यार भी तो कुछ होता है। बच्चे। और एक और दो और तीन और चार और एक और दो और तीन और चार। तुम यहाँ क्यों बैठी हो? मैं तुम्हें देख रही हूँ, तुम पागल हो गई हो, तुम यहाँ से वहाँ पैर हिला रही हो। मैं एक्सरसाइज कर रही हूँ। ओह तुम इसे एक्सरसाइज कहती हो? रुको मैं बताती हूँ इसे कैसे करना चाहिए। ऐसे ऐसे ऐसे। ये बेहुदापन है, यहाँ से बाहर जाओ और मेरा दिमाग मत खराब करो। अरे नहीं, क्या तुम मुझसे जलती हो? बोल दो। अब मैं सिक्योरिटी को बुलाने जा रही हूँ, समझी? बुला लो। वैसे क्या तुम मुझे पैसे दोगी? तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? क्या हुआ, हम तो दोस्त हैं। नहीं मैं तुम जैसे लोगों से बात नहीं करती। अच्छा ऐसा क्या? ये लग गया। क्या हुआ? ये पागल भिखारी, इसने मुझसे पैसे मांगे और मैंने नहीं दिए। मम्मी क्या आप पैसों के लिए दुखी हो? नहीं, इसने मेरा दिमाग खराब कर रखा है। मम्मी आप इतने मतलबी क्यों हो? ये ले लो मेरे लिए। वैसे तुम्हारी बेटी अच्छी है, तुम्हारे जैसी नहीं है। ईवा अपने हाथ धो और नहा लो जाकर, लगता है ये भिखारी ने एक वायरस है। आजा आजा, तेरे को पसंद आएगा। नहीं मुझे नहीं जाना, छोड़ मुझे। अरे मैं तेरे से दोस्ती करना चाहता हूँ बे। ये क्या है? पापा मैं इस भिखारी को लाया हूँ, हम इसे मछली पकड़ने सिखा रहे हैं। अरे अच्छी बात है, तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो। अच्छा वो फिशिंग रॉड को पकड़ो। उम्मीद तो है कि एक नॉर्मल रॉड है। हाँ वही है, मैं दूसरी लेने जा रहा हूँ, तुम लोग मछली पकड़ो। हाँ ठीक है। क्या यहाँ पर मछलियाँ भी हैं? अरे हाँ हाँ, तुम यहाँ देखो, मैं वहाँ जाता हूँ ताकि हम टकराए नहीं। यहाँ अब आया रहा मजा। ये सब तुमने पक्का जानबूझकर ही किया है ना? बिल्कुल भिखारी।
बचाओ मुझे, मेरी मदद करो। ये मेरी बहन के लिए बदला है, समझा ना तू भिखारी? तुम तो पागल हो। अबे अगर तू मेरी बहन से मिला ना तो इससे भी बुरा होगा। मुझे लगता है ईवा को पसंद आएगा। अरे स्विमिंग पूल कहाँ है? ईवा, जैक, तुम क्या कर रहे हो? ओ, मेरे पास तुम्हारे लिए तोहफा है। मेरे लिए? हाँ, तुम्हें मीठा पसंद है? बिल्कुल, मुझे अच्छा लगा जैक, मुझे इससे पहले किसी ने तोहफा नहीं दिया। मुझे तो यकीन नहीं होता। सच बोल रही हूँ, दूसरे लड़कों को मैंने ही तोहफे दिए, वो मेरे लिए कुछ नहीं लेकर आए। हाँ, मेरा तोहफा इतना अच्छा नहीं है, लेकिन मैंने कोशिश की है, मैंने इसमें पूरे पैसे खर्च किए हैं। मुझे तो बहुत पसंद आया। कैसा लगा? बहुत पसंद आया, ये मेरा फेवरेट है। किसी ने मुझे पहले गले नहीं लगाया। जैक, तुम सबसे अच्छे हो। क्या खिचड़ी पक रही है यहाँ पे? तुम्हें इससे क्या लेना देना? तो मिठाई खाई जा रही है? तुम्हारे यहाँ पर कोई काम नहीं है। अबे तेरे को यहाँ नहीं होना चाहिए भिखारी, मेरी धमकी भूल गया तू? तुम मुझसे ऐसे बात नहीं कर सकते, समझ गए? अच्छा, अब कोई तोहफा नहीं। क्या, हिम्मत कैसे हुई? क्रिस, क्या तुम पागल हो? डोनट तो बहुत ही बढ़िया था। अब क्या होगा? रुको, इसमें शहद था या ये मेरा भ्रम है? तू झूठ बोल रही है, इसमें कुछ नहीं था। इसमें क्या है? एलर्जी। तुम्हें सही सबक मिला। क्या इसकी मदद करें? क्यों, वो बहुत चालाक बनता है, हमसे पंगा ले रहा था। दुख रहा है मुझे। रुको, मैं दवाई लाती हूँ। आइए, मैं आपको मसाज दूंगी। तुम ये जानती हो ना कैसे करना है? हाँ बिल्कुल, हम हमारे क्लाइंट्स को एकदम शानदार सेवाएं देते हैं। मुझे बेवकूफ मत बनाओ, जैसे भी हो करो। ठीक है, लेट जाइए। ठीक है, मैं वैसे भी बहुत थकी हुई हूँ। तो फिर आज आपका आरामदायक मसाज करते हैं। बिल्कुल सही, जल्दी करो। मैं तेल लेकर अभी आती हूँ। उम्मीद है कि यहाँ आप कोई बकवास ना हो। अरे तुम यहाँ? अरे नहीं, तुम मसाज कराने आई हो? जाओ, मुझे आराम चाहिए। टेंशन मत लो, मैं मदद करूँगी। मैं मसाज करूँगी, तुम मुझे पैसे देना। अपने गंदे हाथ मेरे ऊपर से हटाओ, हटाओ। अभी अच्छा लगेगा। लगता है मेरा गला गया, मैं इसे हिला नहीं पा रही। अच्छा सबक मिला। मेरी मदद करो, मेरा गला। अब मैं जाती हूँ, तुम यहीं लेटी रहो। कोई मदद करो। जैक कहाँ है? मैंने उसे मैसेज किया था, उसने इग्नोर कर दिया। ईवा, मैं तुम्हें ढूंढ रहा था। जैक, तुमने मेरा मैसेज क्यों नहीं पढ़ा? कॉल भी नहीं उठाया, मैं बहुत नाराज हूँ। मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें बताना भूल गया था कि मेरा फोन मेरे पेरेंट्स ने ले लिया है। ओह, मैंने सोचा। मैं नहीं चाहता था कि तुम परेशान हो। जैक, मुझे बहुत जरूरी बात करनी है। मैं भी तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। मैंने ये पहले कभी किसी को नहीं बोला। ऐसा तो मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। मुझे पसंद हो। जैक, सच में? विश्वास नहीं होता, जो तुमने मुझसे अभी कहा क्या वो सच है? बिल्कुल। ईवा, तुम्हारे जैसी सुंदर लड़की मैंने पूरी जिंदगी में नहीं देखी। रुको रुको,
हट जाओ। तुम पागल है, ऐसा कैसे कर सकती है? कितना शर्मनाक है, जरा खुद को देखो और फिर उसे। तुम बिल्कुल अलग हो और तुम एक साथ नहीं रह सकते। तुम्हारा दिमाग खराब है, हमेशा हमारा पीछा क्यों करते हो? मुझे तुम्हारा रिलेशनशिप पसंद नहीं है। प्यार ही सब कुछ है। नहीं, पैसा ही सब कुछ है। और तुम्हें ब्रेकअप के लिए कितना पैसा चाहिए बताओ? तुम एक बेवकूफ हो क्रिस, इसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। मैं तंग आ चुकी हूँ, इन भिखारियों को निकालो यहाँ से। ये बेवकूफ है, इन्हें अभी के अभी बाहर निकाल दो, मेरी पत्नी परेशान हो रही है। तुम्हारी पत्नी तो पागल है। शांत हो जाओ, सब कुछ सुलझाते हैं। पागल औरत, तुम मेरी बीवी से बात कर रहे हो और तुम मेरी बात से बात कर रहे हो। तुमने मुझसे क्या बोला? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बीवी से? हिम्मत कैसे हुई यार? मेरी बात तुम सभी को छोड़ूंगा। इस बात को तुम बेहरे। वो कहाँ गई? जैक, तुम क्या सोच रहे हो? तुम्हें खुद पता चल जाएगा। ओह मेरा बेटा। सब लोग ध्यान से सुनो, ईवा और मैं एक दूसरे से प्यार करते हैं। मुझे समझ नहीं आया। ईवा, मैं तुमसे बहुत बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, शादी करो मुझसे। हाँ ये नहीं 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 नहीं, मुझे ये पसंद नहीं। ईवा क्या कर रही हो? उसे सिर्फ पैसे चाहिए। कैसे पैसे? हमें पैसे पसंद नहीं, हमारे बच्चे प्यार करते हैं। बिल्कुल हमें पैसे चाहिए। हम इसी होटल में शादी करेंगे। हुरे, ऐसे तो होटल की खूब कमाई होगी। हुरे! ओह माफ करना। हे दोस्तों, मैं शादी के लिए तैयार होती हूँ, तब तक लाइक कर दो और हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दो। पापा, आपको पानी चाहिए? मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए। छोड़ो भी, आप ओवर रिएक्ट कर रहे हो। मुझे लगता था कि तुम एंथनी से शादी करोगी। एंथनी? वो कौन है? मेरे दोस्त का बेटा, वो बहुत अमीर है। पापा, मैं उसे प्यार नहीं करती, मैं तो उसे जानती भी नहीं। तो सारी दुनिया में उनकी फैक्ट्रियां हैं। लेकिन डैड, मैं जैक से प्यार करती हूँ। तुम उसे जानती ही कितना हो। पापा, वो अच्छा लड़का है, दूसरे लड़कों के जैसा नहीं है। वो पैसों के लिए प्यार नहीं करता। अच्छा, तुम कितनी भोली हो। क्या आप चाहते हो कि आपकी बेटी खुश रहे? बिल्कुल चाहता हूँ। पापा, मैं जैक के साथ सबसे ज्यादा खुश रहूंगी। आप शादी के लिए मुझे पैसे दे दीजिए। ठीक है, ले लो। शुक्रिया। मैं अपनी बेटी के लिए सबसे शानदार पार्टी दूंगी। क्या चल रहा है? मैं यहाँ सेरेमनी के लिए सजावट कर रही हूँ। ये क्या है? दुल्हन का गुलदस्ता। क्या बकवास है, ये कोई गुलदस्ता नहीं है। मेरी शादी में तो अखबार का गुलदस्ता था, ये तो फिर भी अच्छा है। नहीं, मेरी बेटी ऐसा गुलदस्ता नहीं पकड़ेगी। ओह, तुम बहुत बकवास करती हो। हमारे मेहमानों के लिए होटल की तरफ से। इसे मुझे दो। ये तुम्हारे लिए नहीं है। तुमने कहा मेहमानों के लिए है। उनके लिए जिन्होंने पैसे दिए हैं। शुक्रिया अनीता। कोई बात नहीं। कोई शादी वादी नहीं होगी, मैं और ही नहीं दूंगा। समझ गए सबके साथ? जाओ यहाँ से। मेरे बेटे को छूने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? तुम्हें इसे इंसानों जैसा बनाना चाहिए। क्या? शांत हो जाओ। अरे ये क्या कर रहे हो? शांत हो जाओ। वाओ, हमारे होटल के लिए बढ़िया है, यही तो चाहिए था। अब तुम्हें क्या चाहिए? तुमने मुझे क्यों बुलाया? क्या तुम फिर से हमला करोगे? मैं जानता हूँ कि तुम मेरी बहन को बहुत पसंद करते हो। हाँ, मैं और ईवा हमेशा के लिए एक साथ रहेंगे।
समझने की कोशिश करो, तुम अलग हो, उसके पास बहुत पैसे हैं और तुम्हारे पास बिल्कुल भी नहीं, तुम्हारी शादी नहीं हो सकती। मुझे लगता है कि पैसा बस एक बकवास है। बकवास? और क्या होगा अगर मैं तुझे ईवा को छोड़ने के लिए कहूँ तो, और तुझे इतने रुपए दे दूँ तो? सच में तुम्हें लगता है ये मैं पैसे ले लूंगा? हाँ बिल्कुल। हाँ तो मैं मना करता हूँ। पगला गया क्या? वैसे भी तुम इतने पैसों से क्या ही कर लोगे। तो मतलब ये तेरे लिए कम है? कोई बात नहीं, दोगुने कर देता हूँ। काफी नहीं है। पगला गया है क्या भाई ससुरे? मैंने बता दिया। अच्छा और ले ले चल, अब ऐसे दूर रही हो बता रहा हूँ। गुड बाय। ये तो बहुत इजी था, वो ईवा से छोटा सा ही प्यार कर रहा था, बताओ यार। हम इस शादी से बिल्कुल बेखुश नहीं हैं। लेकिन हमारी बेटी चाहती है इसलिए ठीक है। हाँ ठीक है, कुछ नहीं होने वाला इधर। आपके लिए तोहफा लाए हैं। वाओ कितना सुंदर है। ओह सोना। वाओ इसके लिए बहुत शुक्रिया, ये लो हमारा तोहफा तुम्हारे लिए। ये डिब्बा खाली क्यों है? क्या मजाक है? डिब्बा ही तोहफा है, हमारे पास इतने ही पैसे थे। हाँ क्या आप तैयार है? क्या दूल्हा दुल्हन को बुला ले? बुलाओ रे, बुलाओ रे। हम तालियां बजाकर दुल्हन ईवा का स्वागत करते हैं। अच्छा तो मेरा पैसा इन सब में उड़ाया गया है। स्वागत है। और अब मिलिए दूल्हे से। दूल्हे राजा आ जाइए। कहाँ है वो दूल्हे राजा? कहाँ हो? हेलो, शायद वो खो गया। माफ करना लेकिन ये सच है कि जैक ने मुझसे रुपए लिए और यहाँ से रफू चक्कर हो गया। मेरे अकाउंट से लाखों यहाँ उड़ाए गए हैं। उसने तुम्हें छोड़ दिया ईवा, समझी तुम? नहीं नहीं मुझे विश्वास नहीं हो रहा, वो ऐसा नहीं कर सकता। देखो ईवा मैंने तुमसे पहले ही कहा था, सारे गरीब एक जैसे होते हैं, पैसे के भूखे। इसका मतलब शादी नहीं होगी? जैक कितने बड़े मूर्ख हो तुम, तुमने पूरा प्लान बर्बाद कर दिया। अच्छा है हमें पैसे मिल गए, लेकिन वो जल्दी खत्म हो जाएंगे। सही कहा, लेकिन उसे यहाँ पर होना चाहिए। ओह दूल्हा आ गया। जैक क्या? ईवा क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं तुम्हें पैसों के लिए छोड़ देता? मैं तुमसे बहुत बहुत प्यार करता हूँ और मैंने हमारे लिए एक अपार्टमेंट खरीदा। हुर्रे जैक तुम सबसे अच्छे हो। ओह हेलो, जल्दी सेरेमनी शुरू करो, टाइम निकल रहा है, इसके एक्स्ट्रा चार्ज लगेंगे। कोई बात नहीं, ईवा और मेरे पास अभी भी काफी पैसे बचे हैं। जैक तुम सबसे अच्छे हो। मैं तुमसे प्यार करता हूँ मेरी ईवा। अच्छा बताओ लेकिन तुमने वो पैसे क्यों लिए? मैं तो तुम्हें बस एक वेडिंग प्रेजेंट देना चाहता था। सच में तुम्हें सच में कोई डाउट नहीं था और मुझे छोड़ना तो नहीं चाहते थे? बिल्कुल भी नहीं, तुम्हें ऐसा क्यों लगा? ईवा पता नहीं तुम्हारे बिना मैं क्या ही करता। मैं सोच रही हूँ हम तो यहाँ है, हमारे घर वाले क्या कर रहे होंगे। मुझे लगता है कि वो बस हमसे थोड़ी छुट्टी चाहते थे और अब मजे भी कर रहे हैं। हाँ तुम्हारे माता पिता मेरे घर में रहने लगे हैं, वो मजे करेंगे। मजाक नहीं है, क्रिसमस इस बार बहुत ही ज्यादा अच्छा जाने वाला है। निकल जाओ यहाँ से। अब ये हमारा हुआ। बहुत हुआ, ये हमारा घर है। हाँ हम यहाँ रहते हैं। मैं पुलिस को बुला रहा हूँ अभी। हाँ जरूर बुला लो, डॉक्यूमेंट्स तो हमारे पास हैं और तुम लोग बेवकूफ हो। मुझे ये पसंद नहीं, उन्होंने हमें हमारे ही घर से निकाल दिया। मैं अभी इनसे निपटता हूँ। ये मत कहना कि उन्होंने अकाउंट से सारा पैसा निकाल लिया है। हम
बेघर हो गए, पुलिस को बुलाओ। ठीक है, हम बाद में सोचेंगे। क्रिस, अपनी माँ को पकड़ो, लगता है उसका दिमाग हिल गया है। पुलिस कहाँ है? पुलिस कहाँ है? हमारी छुट्टियां तो अभी शुरू भी नहीं हुई और तुम अभी से चिल्लाने लगी? मुझे मेरी लाइन याद नहीं है। तुम बहुत फनी हो। तुम सही हो। तुम्हें किसने बड़ा किया? पापा मैं अच्छा ये पक्का सीरियस था। रुक मेरे ऊपर से अपना हाथ हटाओ। ओके पॉल।